पहले इस धरती को परमेश्वर ने बनाया, स्वर्ग और पाताल सब कुछ को बनाया, जीव जंतु को बनाया, मनुष्य को बनाया, आदम को मत्ती से बनाया एंड एव को आदम का यहाँ हार्दी से रीब से निकाल के बनाया। तब से लेके हमारा लोग आदम और ईव का पाप का वजह से जितना भी मनुष्य जो है पाप में डूबा था, खराब रास्ता में जाता था, भयानक खराब काम में ही लगा रहता था, तो प्रभु ने दया करके हम सबको दया करके प्रोफेट लोगों को यहाँ समझाने के लिए भेजा। मनुष्य लोग पाप का रास्ता में जा रहा है इसलिए समझा दो बोल के प्रोफेट आशिया, प्रोफेट जरमिया, बहुत सारा प्रोफेट को भेजा, लेकिन हम सब मनुष्यों उनको नहीं मानता है, उनको मार डालता है, प्रोफेट का बात को नहीं सुनता है। तब स्वर्ग पिता ने सोचा कि मेरा अपना बेटा को इस धरती में भेजूंगा, मनुष्य का रूप में भेजूंगा, तो इसलिए मादर मेरी को चुना। और माँ मरियम एक बहुत ही नर्मता और अच्छा लेडी था, इसलिए माँ मरियम को चुना। एंजल गैब्रियल ने माँ मरियम को आके बोला, प्रणाम मरिया, प्रभु आपका साथ है। तो माँ मरियम को प्रणाम करते हुए एंजल गैब्रियल ने आके बताता है कि आप प्रभु यीशु ईश्वर का बेटा को आप गर्भवती आपका पेट में भुकेंगे और उसको जन्म देंगे, उनको आप जीसस नाम देना। और वो जीसस नाम जो है डेविड का खानदान का राज्य को चलाएंगे और उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। यही माँ मरियम को एंजल गैब्रियल ने संदेश दिया। तब माँ मरियम बहुत अचंभे हुआ, सरप्राइज, हम किसी का साथ शादी नहीं हुआ, संबंध नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो उस जमाना में जो औरत पति बिना से गर्भवती होता है उसको पत्थर से लेके ऐसे ग्राउंड में बिता के पत्थर से मार मार के मराता था, तो उसको परवाह नहीं करते हुए तो माँ मरियम ने एक्सेप्ट किया, मैं ईश्वर का दासी हूँ, मुझ में जो भी होना है होने दे। तो आज हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी, हम लोग चार सप्ताह एडवेंट सीजन को हम लोग मनाता है, चार सप्ताह। आज हम लोग एडवेंट मतलब लेटिन वर्ड में है, लेटिन भाषा में है, एडवेंट मतलब वेलकम, किसी के लिए इंतजार और वेलकम। तो हम लोग चार सांडे में सबसे पहले होप, आशा के लिए हम लोग प्रार्थना करता है, एंड दूसरा सांडे में पीस, शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करता है, तीसरा सांडे में लव, प्यार के लिए हम लोग प्रार्थना करता है, चौथा सांडे में जीसस का जन्म देता है, चौथा सप्ताह में हम लोग जॉय, आनंद के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। तो आज हम लोग एडवेंट सीजन में हैं, हम लोग होप, आशा के लिए, पीस, शांति के लिए, लव, प्यार के लिए और जॉय, आनंद के लिए हम लोग यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। आपसे पता है ये मंच जो है यहाँ में धरना होता है, प्रत्यक्ष गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जो खिलाफ में यहीं से बातें होता है, लेकिन आज हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी इस मंच को इसी जगह में खड़ा करके हम अपना प्रदेश का शांति के लिए, अच्छा सरकार के लिए हम लोग यहाँ प्रार्थना करने आया है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब प्रार्थना कीजिए, यहाँ जो भी धरना होता है सही ढंग से हो और शांति का रास्ता लेके चले, यही हम लोग का प्रार्थना होगा। और दूसरा हम यही बोलना चाहता हूँ कि हम जितना भी क्रिश्चियन कम्युनिटी कि अपना शांति के लिए हर समय हम लोग प्रार्थना करता है, हमारा स्टेट का शांति के लिए, एरिया का शांति के लिए, अपना परिवार का शांति के लिए, अपना जगह का शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करता है, जैसे हम लोग गवर्नमेंट को मदद करता है पीस मेकिंग में, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी हमेशा साथ देता है। दूसरा में हम लोग एजुकेशन सेक्टर में, हमारा प्रदेश अभी तक जो लिटरेसी रेट बहुत सबसे कम है,
इसलिए हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी मिशन स्कूल खुला गया, मिशन स्कूल खुल के आगे हम एजुकेशन दिलाता है। तो इस चीज़ को हम गवर्नमेंट को आप लोग हम सब लोग बताना है। तीसरा में हम लोग हेल्थ सेक्टर में जो हेल्थ में दुख तकलीफ होकर बैठता है, हम लोग कोशिश में लगा रहता है। हमारा आपका और जितना भी डिनोमिनेशन हमारा लोग हेल्थ सेक्टर में भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और करता भी है। इस चीज़ को लोग अगर हमें बोले क्रिश्चियन कम्युनिटी आप अपना सोसाइटी के लिए, अपना स्टेट के लिए, अपना प्रदेश के लिए आप लोग क्या किया पूछने से बताइएगा, हम सबसे पहले शांति के लिए हर पल में हम लोग प्रार्थना करता है। स्टेट गवर्नमेंट को हम साथ देता है शांति बनाने में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हम मदद करता है बोल के बताइएगा। और दूसरा, हम लोगों को कोई कोई बोलता है कि वेस्टर्न धर्म को अपनाता है, वेस्टर्न धर्म को अपनाता है बोलता है, तो इसको हम क्लियर करना चाहता है। जेरूशलम में जीसस का जन्म दिया। जेरूशलम कहाँ है? एशियन कॉन्टिनेंट में है। और इंडिया हमारा भारत देश कहाँ में है? एशियन कॉन्टिनेंट में है। हमारा जीसस एशियन से जन्म, हमारा कॉन्टिनेंट से जन्म होके वेस्टर्न साइड में चला गया। यीशु मसीह हमारा कॉन्टिनेंट से जन्म हुआ है। इस चीज को लोगों को बताना है, यही हमारा बोलने का था। और दूसरा, आज हम बाइबल में जब हम लोग देखेंगे बहुत अच्छा अच्छा बात लिखा वाला दिखाई देता है। सबसे पहले मैं एक बाइबल वर्स को बताना चाहता हूँ, उसको आप लोग गौर कीजिएगा। इतना सुंदर सुंदर बाइबल में वचन लिखा है, बहुत सारा है, लेकिन एक सिर्फ हम बोलना चाहता है। सिरक चैप्टर 6 में बहुत ही सुंदर से लिखा है अपना दोस्त का बारे में। मैं मेरा दोस्त मेरा लिए क्या काम आता है, क्या करता है, इसका बारे में लिखा है। यहाँ में आप लोग सुनिएगा, ए लॉयल फ्रेंड इज लाइक ए मेडिसिन दैट कीप्स यू इन गुड हेल्थ। ओनली दोज हु फियर्स द लॉर्ड कैन फाइंड सच ए फ्रेंड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ में लिखा है मेरा और आपका अच्छा दोस्त आपके लिए दवाई का काम करता है, जिसमें आपको कभी बीमार होने नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो ईश्वर को डरता है वही उन्हीं को दवाई जैसा वाला दोस्त मिलेगा बोला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो यहाँ आज आया है ईश्वर को डरने वाला लोग है, इसलिए आपको दवाई जैसा वाला दोस्त मिलेगा और सबको मिलेगा, यही हमारा दुआई है। और अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं एक कैथलिक चर्च का लीडर होने का नाते जब यीशु मसीह को बेथलेहम में जब रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था उस समय में किंग साइरस अगस्तास का समय में बेथलेहम में सभी लोगों को जाकर सेंसस में एंट्री करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उस समय में माँ मरियम गर्भवती होता है। जोसेफ क्या करता है, अपना दोस्त पड़ोसी से जाकर एक गधा को मांगता है। दोस्त मेरा बीवी तो गर्भवती है, वो पैदल जाने नहीं सकेगा, इसलिए आपका गधा को मुझे जेरूशलम जाने का और बेथलेहम जाने का ले चलने के लिए देने से अच्छा है। दोस्त ने कुल के दिया, यस मेरी को बहुत अभी परेशान होगा, तो गधा को दिया। उस गधा में जोसेफ माँ मरियम को बिता कर बेथलेहम के लिए जाता है। जब वहाँ में जाता है तो रास्ता में पेन शुरू हो गया कि बच्चा पैदा करने का समय आ गया, तो क्या हुआ, हर घर में कटकटाया, घर लोगों को कटकटाया कि बोला मेरा बीवी को बच्चा पैदा करने के लिए जगह तोड़ा दीजिए। सभी लोगों ने अस्वीकार किया क्योंकि उसमें जगह भी नहीं था, उस गांव में बेथलेहम में जगह नहीं था, क्योंकि दूर दूर से आके रजिस्ट्रेशन करने के लिए सब लोग जमा हुआ था, इसलिए हर घर में आदमी फूल था। इसलिए माँ मरियम को सभी ने अस्वीकार नहीं किया, तो लास्ट में जाके गाय का ग्वाला में जन्म दिया। आज यही मेरा बोलना चाहता हूँ, आप सब माँ मरियम को बुलाइए, बोलिए कि माँ मरियम आपने 2022 साल पहले
हर घर में कतकताया आपका बेटा को यीशु में जीसस को जन्म देने के लिए, लेकिन लोग आपको अस्वीकार किया। इस बार इस साल मेरा घर में माँ आइए, माँ मरियम आइए, आपका बेटा को मेरा परिवार में जन्म दीजिए बोल के आप सब प्रार्थना कीजिए। मैं आशा रखता हूँ इस क्रिसमस सीजन में सभी घर में, सभी हमारा विश्वास का घर में बेबी जीसस का जन्म दे और शांति और खुशहाली बनते रहे, ये मेरा दुआई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी क्रिसमस, थैंक यू।